राजधानी दिल्ली में वार्ड उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गईं। मैदान में उतरी तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अब सड़क पर उतरकर प्रचार प्रसार में जुट गए और मतदाताओं को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी से चौहान बांगड़ वार्ड से मैदान में उतरे नजीर अंसारी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। नजीर अंसारी भारी भीड़ के साथ अपने वार्ड की गली गली और हर नुक्कड़ पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से मिल रही हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। मंगलवार शाम भी वो अपने वार्ड में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि राजधानी की 2 उत्तरी दिल्ली नगर निगम और 3 पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 28 फरवरी को मतदान होगा और 3 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव में एमसीडी पर काबिज बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे।